हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे टॉपिक की जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिससे मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलती रही है और जिसके बारे में मैं जैसे सोचता हूँ, अपनी थिंकिंग को डेवलप करता हूँ, तो उससे मेरी लाइफ में जो जर्नी चल रही है उसमें जो अलग अलग पाथ्स आते हैं उनको चुनने में और उनको एक सफ़र की तरह तय करने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और इसी के बारे में आप कुछ अपनी थिंकिंग, कुछ अपने थॉट्स, कुछ अपनी सोच आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आपको भी शायद उससे कुछ हेल्प मिले। स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनको काफ़ी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू ऑल्सो कम फ्रॉम, क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। साथ ही में ही आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, इवन आफ्टर यूपीएससी आप ऑफिसर बनते हो, तो चैलेंजेस आपके ख़त्म नहीं होते हैं बल्कि बढ़ ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें इस तरह की थिंकिंग और इस तरह की इनर मेडिटेशंस की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि आप चैलेंजेस को फेस कर सकें। और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, राइट? आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, ऐसे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, या फिर अपना बिज़नेस चला रहे हैं। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप में इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स तो आपके सामने आएंगी और इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इन प्रॉब्लम्स को हेड ऑन आपको मीट करना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स खाली ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हैं उसकी वजह से आएंगी, क्योंकि कंपटीशन होता है, हर कोई ट्राई कर रहा होता है, उसकी वजह से नहीं, बल्कि सोसाइटी से भी बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुमेन फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन आर सोसाइटी। अगर आप एक यंग वुमेन हैं हु इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन यूपीएससी प्रिपरेशन, हो सकता है आपके घर में शादी की बात की जाती हो और सोसाइटी के प्रेशर में घर वालों को लगता हो कि इस तरफ लड़की को नहीं जाना चाहिए बल्कि शादी कर लेनी चाहिए। इसी तरह से इवन फॉर ए मैन, इवन फॉर ए बॉय, हो सकता है कि आप यू आर द ओल्डेस्ट सिबलिंग इन योर हाउस, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आप किसी जॉब में लग जाएं और फैमिली को सपोर्ट करें, या फिर आप सबसे छोटे भी हो सकते हैं, सबसे छोटों पे उनको हमेशा से साइडलाइन ही कर दिया जाता है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो किसी भी रेंज ऑफ चीज़ों में, मतलब किसी भी आप स्पेक्ट्रम में हो सकते हैं, आप यू कुड बी ए मैन वुमेन, यू कुड बी ए ट्रांसजेंडर, यू विल बी फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड अराउंड यू, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स हमारे एक पार्ट है हमारे लाइफ का, उसको हम ज़्यादा उसका कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है कि आपको बहुत सारा सोसाइटी से सुनने को मिले, अरे तू यूपीएससी की प्रिपरेशन क्या कर रहा है, तेरे तो मार्क्स 80% आए थे, तुझसे तो कभी नहीं हो सकता, इसमें तो बस आईआईटी के टॉपर्स 99% वाले लोग जाते हैं। ऐसे भी ताने मिलने को आपको सुनेंगे, आपके कानों में पड़ेंगे, अंडर एस्टिमेट बहुत किया जाएगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर बच्चा यूपीएससी क्रैक करेगा, कोई भी कर सकता है, पर ऑब्वियसली नंबर्स गेम है। और रिसेंटली जैसे एग्ज़ाम देकर टफ हो गया है पहले से थोड़ा सा, जिस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू स्टडी देम, इतना आसान नहीं रहेगा, पर हमेशा सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का हुआ है, प्लस माइनस 50-100 सीट्स ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती हैं, पर ऑलमोस्ट सिलेक्शन रेट तो वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो अगर आप बिज़नेस अपना रन कर रहे हैं तो कितनी कंपनीज़ हैं जो बिलियन डॉलर कंपनीज़ बन जाती हैं, उसमें भी एक लिमिटेशन होता है, सब कंपनीज़ बहुत बड़ी नहीं हो जाती, सब एंटरप्रेन्योर्स बहुत सक्सेसफुल नहीं हो जाते। किस्मत का रोल तो हर जगह है, यूपीएससी हो वहाँ भी रोल है, कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ भी रोल है। आप किसी भी बहुत ही अच्छे कॉलेज से भी आप एमबीए कर लें, हार्वर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, ऑक्सफोर्ड चले जाएं, आप कुछ भी करें, लक फैक्टर तो हमेशा हर चीज़ में रहता है, तो उसको इन्वोक करना यार, हमेशा उसी चीज़ पे जाना, आई थिंक दैट इज़ नॉट रीजनेबल। रिसेंटली ट्विटर पे मैंने बहुत देखा, इवन यूट्यूब पे देखा, लोग लक फैक्टर को हर चीज़ में ला रहे हैं कि यूपीएससी में लक फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में लक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, अनफॉर्चुनेटली उसका रोल होता है, उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके कंट्रोल में है, जो आप अपना कर्म कर सकते हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, और उससे आपका डेफिनेटली लक भी चेंज हो सकता है, उससे डेफिनेटली आपका चांस इंक्रीज़ हो सकता है सक्सेस का, कहीं भी हो, बिजनेस सेक्टर में हो, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, डेफिनेटली हर जगह पर अपने अपने चैलेंजेस। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते, दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत पॉलिटिकल
हो या फिर डेली डिलीवरेबल टारगेट्स आजकल गवर्नमेंट में आ गए हैं, उनसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, इतना आसान नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रेशर में सब लोग काम करते हैं। तो आपको लगता है यस देर आर सम कुशी जॉब्स, पर उसमें फिर ग्रोथ नहीं होती। जहाँ पे आपको लग रहा है आप बैठे हुए आराम से चाय पी रहे हैं और फाइल साइन कर रहे हैं, वहाँ ग्रोथ नहीं होगी आपकी, वो फिर आप पूरी ज़िंदगी वैसे ही निकाल दोगे। तो हर चीज़ के प्लस और माइनसेज होते हैं, प्राइवेट सेक्टर लो, गवर्नमेंट लो, बिजनेस लो, एंटरप्रेन्योरशिप लो, हर चीज़ में आपको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज एक जो होता है वो होता है आपकी फैमिली और सोसाइटी से आने वाला चैलेंज। और उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहता था मैं कि मैं रिसेंटली स्टोइक फिलॉसफी में थोड़ा सा डैबल कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे मार्कस ऑरेलियस की जो मेडिटेशन बुक है बहुत अच्छी लगी, और उसी के साथ मैं जो कुछ डेली न्यूज़लेटर्स हैं आर्टिकल्स से पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हमें एक इनर सिटाडल या फिर एक अंदरूनी आपके माइंड में एक किला जो है वो तैयार करना चाहिए। और ये किला क्या है, ये सिटाडल क्या है, इनर सिटाडल, ये इनर सिटाडल एक सेल्फ बिलीव का है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, आपका एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का है, और ये बहुत ज़रूरी है एक इनर पीस को अचीव करने के लिए, ये सिटाडल है। क्योंकि विदाउट दिस सिटाडल क्या होगा कि आप, हो सकता है कि जो बाहर से इतने सारे लोग जो आज आपको सपोर्ट करते हैं पर कल आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो आपके अगेंस्ट ही जाएं, इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब आप पड़ते हैं तो वो सिटाडल आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो लाइफ में मुझे लगता है कि इस तरह के इनर सिटाडल या फिर किले को डेवलप करना, इसके बारे में मैंने लिखा भी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दे आर गोइंग थ्रू सो मच, आप इतने सारे चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हैं, तो इस टाइम आप इस इनर सिटाडल को धीरे धीरे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं और आपको ये कैसे बचाएगा, देखिए एक सिटाडल या किला क्या होता है, उसके चारों तरफ मोट होती है, एक गड्ढा होता है ना, गहरा नाला टाइप, उसमें से कोई भी निकल नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना। पुराने ज़माने में क्या, आज भी कोई अगर किला है तो उसको भेदना बहुत मुश्किल होता है, कितना भी आपके पास टेक्नोलॉजी हो। तो पुराने ज़माने में सोचिए तो टेक्नोलॉजी इतना कम था, बॉम्ब्स वगैरह ये प्रोजेक्टाइल्स ही होती थी बस अटैक करने के लिए, तो कितना मुश्किल होता होगा। तो जब आपके अराउंड ये मूट होती है और बड़ी बड़े दीवारें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को क्लोज कर लें, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जब पर्सनैलिटी में एक ये सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज़्म बना हुआ होता है और आपको पता है कि जो इससे बाहर जो मेरी थिंकिंग आ रही है वो करेक्ट है, उसमें कुछ सत्य है, मेरी एक्सपीरियंस इसके बेस पे, तो जब तक आपको वो प्रोटेक्ट करता है जो बाहर से न्यूसेंस जो आपके चारों तरफ क्रिएट हो रहा होता है। आई शुड नॉट कॉमेंट बट रिसेंटली आपने देखा होगा कि बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, बहुत सारे चैलेंजेस आपको कोई भी टारगेट कर सकता है, अटैक कर सकता है, आपको टैग करके, विदाउट टैग करके आपको विदाउट नोइंग द ट्रूथ कुछ चीज़ें बोल सकता है, ऐसा बहुत होता है, हर किसी के साथ होता है जो पब्लिक में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, दैट कैन बी वेरी चैलेंजिंग। उसके बाद हो सकता है कई लोग को वो चढ़ाता भी है फिर सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो कि छोटे से काम को भी बहुत बड़ा दिखाता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वैलिडेशन जो मिल रहा है सोशल मीडिया से वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यूपीएससी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब देख देख के मुझे लगता है बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ से कुछ रियलिस्टिकली आप लर्न तो नहीं कर रहे, आपका माइंड इतना अनकाम हो जाएगा, आप हमेशा उसी में स्क्रोल करके देखते रहेंगे, वहाँ से क्या ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेगी, बताइए मुझे। और साथ ही में जस्ट नॉट सोशल मीडिया, हमारी सोसाइटी भी रिएक्टिव है आज की डेट में, बिकॉज हर चीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से इतना फास्ट मूव हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, कि हमारी लाइफ में हमने देखा है कि आर सोसाइटी एंड वी आवरसेल्व्स हैव बिकम वेरी रिएक्टिव, हम हर चीज़ का एकदम फास्ट रिस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, मेडिटेट नहीं करते, बैठते नहीं, वी डोंट टेक ए स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट कि हमारे एक्शंस का रिपरकशन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, या फिर हमारे एक्शंस का एग्जैक्टली हमारे माइंड पे, हमारे बच्चों के माइंड पे या हमारे समाज के माइंड पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो बहुत ज़रूरी है सब सोचना। तो इसी सब न्यूसेंस में, इसी सब नॉइस में, चारों तरफ इतना कुछ चल रहा है, पीछे देखिए ऑटो जा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, पर आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ शील्ड माई सेल्फ, तो इसी तरह की नॉइस में आपको अपने आप को शील्ड करना है, और उस शील्डिंग के लिए आपको एक इनर सिटाडल, जहाँ से आपकी सेल्फ बिलीफ ओरिजिनेट होती है, जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक इनर पीस डेवलप होता है, उसको आपको बनाना होगा।
क्योंकि उससे ही लॉन्ग टर्म में आप खुश रहेंगे। मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, शॉर्ट टर्म में आपको खुश रहना है। शॉर्ट टर्म में कैसे खुश होते हैं आप, अरे मैंने एक आईफोन ले लिया, मैंने एक गाड़ी ले ली, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में खुश करती हैं, हैप्पी करती हैं, बट दे आर नेवर एंडिंग। कल आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे, फिर आपको चाहिए चार्टर प्लेन। मेरे पापा जब मैं छोटा था कहते थे कि जब मैं साइकिल पे था मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी, फिर मैं स्कूटर पे आया, फिर स्कूटर था तो मेरे को और अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए थी, फिर वो मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल के बाद मुझे गाड़ी चाहिए थी मारुति, फिर वो मारुति पे आए, फिर मारुति के बाद उनको फिर बड़ी गाड़ी चाहिए थी। तो लाइफ इज़ नेवर एंडिंग। दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं तो वहाँ तो अपनी इच्छाएँ जो हमारी नीड्स होती हैं वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो वॉन्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हमें सोचना चाहिए इनके बारे में, और अपने आप को इस मटेरियलिस्टिक साइकिल से निकालने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट करना चाहिए। मैं भी हूँ मटेरियलिस्टिक साइकिल में, ऑब्वियसली आई ऑल्सो वॉन्ट बेटर लाइफ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशंस, मुझे भी चाहिए अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा मेरा ग्रूमिंग हो, अच्छा सब कुछ हो, राइट? पर दिस शुड नॉट बी द एंड। इसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस वहाँ से नहीं आनी चाहिए, आपकी हैप्पीनेस का जो सोर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन दैट। वो आपका चाहे स्पिरिचुअल एक बेंड हो अगर लाइफ में, तो स्पिरिचुअली हाउ डू यू वॉन्ट टू मैच्योर और टू इवॉल्व, ये भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ में बड़े क्वेश्चंस होंगे, उनको शायद सॉल्व करना चाहें, या उनको शायद उनका आंसर निकालना चाहें, या किसी बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना चाहें जहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन मिले। हो सकता है आप लेट्स से आप गवर्नेंस में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिला हो कि हाउ टू टैकल माल न्यूट्रिशन, तो हो सकता है दैट बिकम्स पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्पस। और वहाँ से अगर आपको हैप्पीनेस मिल रही है तो वो लॉन्गर टर्म सेटिस्फैक्शन होगा। इस तरह के बिगर क्वेश्चन जब हम लाइफ में सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आता है जो लॉन्गर टाइम के लिए आपके लिए आपके साथ रहता है। और उसको रीइन्फोर्स पता है क्या करता है, उसको रीइन्फोर्स करता है सोसाइटल अप्रिसिएशन। इवेंचुअली कोई भी अच्छा काम करेंगे तो सोसाइटी अप्रिसिएट करेगी, वो छुपा नहीं रहता। हो सकता है कि पूरा देश ना करे, ट्विटर ना करे, पर वहाँ के जिन लोगों को इम्पैक्ट हुआ है वो तो करेंगे, जिन लोगों ने देखा है वो तो पक्का करेंगे, और वो हमेशा आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बोलेंगे। तो जो वर्ड ऑफ माउथ है, वर्ड ऑफ माउथ इज़ मच मोर पावरफुल देन एनी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है, स्केप्टिकली हम देखते हैं उसको भी, पर वर्ड ऑफ माउथ से जब पता चलता है तो वो अलग ही उसका इंप्रेशन होता है। तो मुझे लगता है लॉन्गर टर्म में ये सोशल आपको जब वैलिडेशन अगर चाहिए, थोड़ी सी मराठी आ रही थी मेरी, अगर वो सोशल वैलिडेशन अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना होगा। आपको स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आपकी लाइफ में, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन पर हम काम करना चाहते हैं, आपको हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी बनानी हो, कल आपको एक स्पीकर की इंडिया में बहुत ही बेहतरीन कंपनी बनानी हो, आपको किसी भी चीज़ की, आपको जूतों की बहुत अच्छी कंपनी बनानी हो, उससे आपको वैलिडेशन मिले, पर उसमें एक सोशल एंगल भी रखें, क्योंकि उससे जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी शायद वो कहीं नहीं मिलेगी, और उससे हमेशा आपका बिजनेस भी अच्छा सा होगा। हमेशा प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रॉफिट्स इंटेंजिबल भी होते हैं, और वो इंटेंजिबल प्रॉफिट्स विल हेल्प योर बॉटम लाइन्स एट द एंड ऑफ द डे। ये बहुत सारे लोग ये चीज़ें मिस कर जाते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह से मेडिटेशंस और मार्कस ऑरेलियस और इनर सिटाडेल के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी, मोस्ट ऑफ द लाइंस मैंने डेली स्टॉइक से ही ली, पर मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का एक इनर सिटाडेल बनाना। मुझे लगता है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, और उसकी वजह से आई हैव बीन लकी इनफ टू फॉर्म दिस सिटाडेल टू सम एक्सटेंट। हमेशा उसमें छेद होते रहते हैं, पर आपको बनाना होता है। पर एज यंग एस्पिरेंट्स, आप 18 साल, 20 साल, 24 साल के हो सकते हैं, आप यंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, आपको भी एक सिटाडेल क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे आपकी सेल्फ बिलीफ रहती हो, जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस ओरिजिनेट होता हो। और उसको करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, देखिए चार पांच चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज थिंक ऑफ समवन हु इज़ मोर अनफॉर्चुनेट देन यू बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस व्हेन यू आर इन ट्रबल। जब भी आप ट्रबल में हो, जब आपको डिसीजंस लेने हैं, तो सोचो उस पर्सन के बारे में जो आपसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, उसकी लाइफ में आपसे कम चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, पैसा है, फैमिली सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगी, अरे ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मुझसे बहुत नीचे हैं, इन द सेंस कि उनको सपोर्ट ही नहीं है कुछ, वो रोज़ डेली दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सम काइंड ऑफ ए फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल मेकिंग देयर ब्रेड मनी, खाने को भी नहीं होता कई बार। तो उस चीज़ को अगर आप सोचेंगे
तो आपको डेफिनेटली एक इनर पीस मिलेगा और डायरेक्शन मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मूवमेंट पर बहुत ध्यान दें अपनी, जो आप जब ही खुश रहेंगे जब आपकी एनर्जी जो बॉडी में है वो सही डायरेक्शंस में चैनल हो। बॉडी में आपकी जो एनर्जी है, कई बार क्या होता है, वी हैव अडॉप्टेड सच लाइफस्टाइल कि आजकल हमारी एनर्जी से सही डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मूवमेंट, मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई वॉक करें, रन करें, जिम जाएं, इमोशनल मूवमेंट भी है, ये खाली फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। फिजिकल मूवमेंट तो ये हो गया, ये बहुत ज़रूरी है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। उसके साथ जो सोशल एक एनर्जी होती है, मूवमेंट होता है, एक इमोशनल मूवमेंट होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू एक्सप्रेस योर एंगर, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर एनी काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, आपके घर में कुछ चल रहा है उसमें आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो इमोशनल मूवमेंट अच्छे कम्युनिकेशन से आता है। आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल प्रॉब्लम हो उसको अगर आपको सही से चैनलाइज करना है, उस एनर्जी को सही से एड्रेस करना है, तो कम्युनिकेट करिए। तो फिजिकल मूवमेंट से क्या आता है, आपकी एनर्जी, फिजिकल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज होती है, उससे बहुत फ़ायदा आपकी बॉडी को मिलता है, माइंड को भी। आपकी इमोशनल जो मूवमेंट है उससे क्या होता है, उससे आपको सही तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे तो इमोशनल मूवमेंट आप अचीव करेंगे। उसके बाद आपका सोशल मूवमेंट है, आप लोगों से कैसे घुलते मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसमें पर्सनैलिटी के ऊपर डिफरेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सोशल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको सोसाइटी में ज़्यादा घुलना मिलना, तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, बट उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर कम्प्लीटली सोशली ड्रिवन हो जाएंगे आपके डिसीजंस। फॉर एग्जांपल आपको कुछ बुरा लगता है, कुछ सही नहीं लगता, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है। तो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म मतलब इतना सोशल मत हो जाइए कि आप हर चीज़ सोसाइटी के ही कहने पर सही करते हैं, गलत करते हैं। तो ये फिजिकल, इमोशनल, सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में, और उनको सही तरह से चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप इससे आप कुछ सीखेंगे, इससे आप कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ एक बैलेंस क्रिएट करने में। मुझे लगता है गुड एंड ईविल विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, बट हाउ यू बैलेंस इट, और जो गुड का जो पड़ला है उसको कैसे भारी करना है, उस पर हमें हमेशा से कोशिश करना चाहिए। वो इस तरफ नहीं टिल्ट होना चाहिए ईविल की तरफ, गुड की तरफ ही टिल्ट रहना चाहिए। और उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अब ये सारा इतना ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपना इनर सिटाडेल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही वो गुडनेस बढ़ेगी और उससे ही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो दीज थिंग्स, टुडे इज़ वेरी गुड वेदर, मेरा थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं है, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ सोर थ्रोट, तो उसकी वजह से मैंने सोचा फिर भी कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ में। मन कर रहा था, बहुत टाइम हो गया, एक ऑलमोस्ट एक वीक से कुछ नहीं शेयर किया। आई एम गोइंग टू डू एन आंसर राइटिंग वेरी सून, तो मोस्टली वेडनेसडे या ट्यूजडे को मैं अपलोड करूँगा, एंड देन वी विल हैव सम सेशंस विद सम टॉपर्स ऑफ दिस ईयर जैसे, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव सम पीपल फ्रॉम नॉन सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड ऑन दिस, सो दैट उनसे भी आपको अच्छा सीखने को कुछ मिले। ऑल राइट, सो टेक केयर, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम टूडेज रैंडम ज्ञान दैट आई हैव गिवन यू, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हैप्पी टू आंसर दैम। टेक केयर, बाय बाय।